नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। तो यहाँ पर हमने बनाया चना दाल नमकीन। जैसे हम मार्केट में जाते खाने के लिए, बाहर से भी लाते, तो उनका कितना क्रिस्पी बनता है और मजेदार लगता है, हमारा होता ही नहीं। हम लोग बनाते पर हमारे बाद में वो नरम हो जाते, जैसा हमें रिजल्ट चाहिए वैसा आता नहीं। तो प्लीज एंड तक वीडियो देखना और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, यानी ये चना दाल सबके लिए आनी चाहिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने आधा किलो चना दाल लिया है दोस्तों, और इसको हमने सिर्फ 4 घंटा भिगो, 4 घंटे के ऊपर भी हमें चाहिए और 4 घंटे के नीचे भी नहीं चाहिए, सिर्फ यानी सिर्फ 4 घंटा भिगोना है। और चना दाल को पहले 2 या 4 पानी से अच्छी तरह से धो लेना है, बाद में इसको 4 घंटे इसको भिगो देना है। देख रहे हो, इसी तरह यानी हमारी दाल कितनी मोटी मोटी हो जाती है, यानी बड़ी वाली दाल दिखती है मार्केट जैसी, इसी तरह से। अभी हमारा मेन चना दाल नमकीन कैसे बना जाए वो प्लीज लास्ट तक वीडियो देखना। अभी यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बॉल ले लिया हुआ है और हमें चना दाल लेनी, सिर्फ चना दाल निकाल लेनी है, और एक्स्ट्रा पानी जो भी होगा वो हमें चाहिए नहीं, कोई छन्नी या कुछ किसी से भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे मेरा फ्राई वाला चम्मच है बड़ा वाला, तो इससे मैं निकालने वाली हूँ चना दाल। इसी तरह से यहाँ पे थोड़ा भी हमें पानी चाहिए नहीं, लास्ट तक वीडियो देखना है दोस्तों। ये एकदम एक नंबर बनता है, इसका रिजल्ट मैं आपको एकदम परफेक्ट दूंगी, जैसे मार्केट जैसे ही देने वाली हूँ। तो सारी हम ऐसी चना दाल पर निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक बाउल में निकाल लिया दोस्तों, इसी तरह से आप देख रहे हो, इसी तरह से हमें निकाल लेना है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं क्या करना है हमें। अभी यहाँ पर हमने किचन टॉवेल ले लिया है दोस्तों, इसी तरह से कॉटन वाला लेना है हमें। यहाँ पे हम लोग चने की दाल पूरी फैला देंगे इसी तरह से, क्योंकि यहाँ पे चने की दाल में जो पानी होता है एक्स्ट्रा, हमें थोड़ा भी यहाँ पे चाहिए नहीं तो फिर हमारी चने की दाल यानी नमकीन अच्छी बनेगी नहीं, सॉफ्ट बन जाएगी, भी जो हमें मजा चाहिए खाने में वो आएगी नहीं। तो यहाँ पे इसे फैला देना है दोस्तों, मार्केट जैसी ही लगती है दोस्तों। मैंने बहुत बार मैंने बनाया था तो बहुत अच्छी बनी, तो मुझे लगा क्यों नहीं आपके साथ इस रेसिपी को मैं शेयर कर लूं, और झटपट बन जाती है, लॉकडाउन भी है और बच्चे लोगों भी खाते हैं टाइम पास के लिए, कहाँ घूमने गए कहाँ गए तो ये लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे एकदम फैला देते और यहाँ पे ऐसे ही सुखा देना चने की दाल को। अभी यहाँ पे हमारी चना दाल पूरी सूख लगाई है, देखो इसी तरह से। हाँ दोस्तों, मैं एक बात बताना बोल रही हूँ आपको, आपके पास ज्यादा टाइम का, अभी यहाँ पर मैंने 10 या 15 मिनट ही रखा है, मैंने ज्यादा करके मैंने 15 मिनट ही रखा है। आपके पास ज्यादा टाइम होगा तो आधा घंटा 20 मिनट भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। खाली सूखनी चाहिए हमें चना दाल, पानी थोड़ा भी हमें इसमें होना नहीं चाहिए। तो अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते, इसको ऐसे ले लेते दोस्तों, इसको प्लेट में निकाल लेना है, क्योंकि हमें टॉवेल थोड़ी चाहिए, एक प्लेट में इसको ऐसे जमा करके, देख रहे हो मैं आपको बता रही हूँ, जो एक्स्ट्रा भी पानी होता है वो निकल जाता है। और यहाँ पे एक बड़े वाला प्लेट ले लेती हूँ, इसके अंदर ये डाल देती हूँ चना दाल, देखो कितनी ड्राई होनी चाहिए इसी तरह से। तो यहाँ पे पूरी हम लोग डाल देते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बॉल ले लिया। अभी हम चना नमकीन बना रहे तो इसमें मसाला मेन होता है हमारा, बहुत घर की सामग्री से हम बना रहे दोस्तों, ज्यादा हमें बाहर का कुछ लाना ही नहीं है। तो बाहर के जैसा 101% आपको मैं वो रिजल्ट दूंगी खाने के लिए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1.5 चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1.5 चम्मच, और तीखापन आपके हिसाब से ले सकते हो। मैंने यहाँ पे पहले ही प्रमाण के साथ लिया हुआ है, तीखापन तो आपके हिसाब से मैं कर सकते हो दोस्तों, मैं पहले ही आपको बोल रही हूँ। और हल्का सा यहाँ पे नमक डालना है स्वाद अनुसार, और यहाँ पे हमें हल्दी डालनी है 1/2 चम्मच। हल्दी का कलर थोड़ा ज्यादा आता है इसलिए हमें थोड़ा हल्दी ज्यादा ही लेना है, तब जाके हमारा मसाला अच्छा लगेगा। यहाँ पे हमने काला नमक डालना है 1/2 चम्मच, क्योंकि मिर्ची हमारी थोड़ी तीखी होती है, उसके हिसाब से हमें ये मसाला बनाना है। कुछ ज्यादा सामान, 2 या 3 ही वस्तु से हमने ये बना रहे हैं मसाला। जैसे हम बाहर जाते हैं तो कैसे चना चटपटी चना दाल ऐसे बोलते हैं ना, तो हमें क्या यार मस्त खाने की बहुत मजा आ रही है, पर हम लोग घर पे नहीं बना सकते तो हम लोग क्या करते, बाहर से ज्यादा लेके आते हैं ना। तो यहाँ पे मसाले को अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेते हैं, यानी हमारे नमकीन में अच्छी तरह से लग जाएगा। अभी यहाँ पर हमने सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, देखो इसी तरह से। अभी नेक्स्ट प्रोसेस बताना, मेन हमारा टारगेट है फ्राई कैसे करना, वो भी बताएंगे। तो चलो फिर, यहाँ पे मैंने गरम करने को रख लिया तेल ऑयल। तो यहाँ पे एक बात को आप मैं बता रही हूँ दोस्तों, कभी भी अभी चना दाल फ्राई करना हो तो हमें यहाँ पे ऑयल गरम यानी गरम चाहिए, यानी कड़क ऑयल चाहिए, ठंडा ऑयल थोड़ा भी चाहिए नहीं। आपको एक बता रहे हैं, हम लोग चेक करके देखो, ऑयल अच्छी तरह से गरम हुआ नहीं, देखो इसी तरह से हमें एकदम अच्छी तरह कड़क ऑयल, जितना कड़क ऑयल होगा ना तो वो हमारा चना दाल नमकीन इतनी क्रिस्पी बनेगी कि आपको मैं क्या बताऊं, ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार हमने घर पे बनाया, ऐसा लग रहा है कि हमने मार्केट से लेके आ रहे हम खा रहे। तो ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। अभी ऑयल एकदम परफेक्ट गरम हो चुका है। अभी चना दाल हमें लेना है, तो बहुत सारा चना दाल लेना नहीं, थोड़ा कम लेना, यानी कि 1 कप जितना लेना, छोटा वाला कप या वाटी उतना लेना। अभी आपको लगा इतना क्यों बोल रही है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तेल हम ज्यादा डाल देते चने की दाल तो तेल ऊपर आ जाएगा, फिर उसकी बबल झाग बहुत ऊपर आ जाएगी, तो इस बात का आपने ध्यान दे, थोड़ा कम कम डालना है इसी तरह से। पानी होता है हल्का सा चने की दाल में, देख रहो इसी तरह कम ही डालना है हमें, ज्यादा डालना नहीं है, इसलिए मैं
आपको पहले ही बताते तो क्या रह रहे बहुत देर, चलो हम लोग डाल देते ऑयल ऊपर आ जाता है, समझ में आ गया। इसी तरह से तो थोड़ा कम कम करके डालना है, इसको चला लेना है इसी तरह से, एकदम ऐसा कड़क ऑयल चाहिए, जितना कड़क ऑयल होता है दोस्तों ये चने की दाल उतनी ही क्रिस्पी क्रिस्पी बनती है। बनाने में तो बहुत आसान है, खाली इसका ऑयल का प्रमाण हमें अच्छी तरह से मेजरमेंट करना चाहिए कि ऑयल हमें कैसा चाहिए कैसा नहीं। ठंडा ऑयल डालोगे तो कुछ बात नहीं, आपको जो रिजल्ट चाहिए वो मिलेगा नहीं। इस तरीके के बनाओगे तो आपको 100% बोलूंगी आपकी चने की दाल नमकीन बहुत परफेक्ट बनेगी, आपको बाहर का लाने की जरूरत भी, आप घर पे ही बना सकोगे घर पे ही। देखो अभी दाल ऊपर आ रही है, इससे समझ में आ रहा है हमारी चने की दाल एकदम क्रिस्पी बन रही है। इसके बबल ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा पानी लगता है दाल के अंदर, क्योंकि हमने 4 घंटा भिगोया है तो थोड़ा तो बहुत इसका पानी तो रहेगा ही ना। अभी धीमे धीमे करके एकदम अलग अलग होती जा रही है, ऊपर आती जा रही है, देखो इसी तरह से है ना, ये अपने आप आ रही है, आवाज़ भी आ रही है। अभी इसका पानी जो अंदर होता है चने की दाल वो अभी पूरा बंद कर रहे हैं, वो मतलब पूरा पानी जल रहा है चने की दाल के। अभी देखो कितनी ऊपर आ गई है ना, इसी तरह से हमें आनी चाहिए चने की दाल। ये हो गए हमारे हलवा स्टाइल नमकीन बन गई। थोड़ी बबल्स कम होने के बाद ही हमें इसको निकालना है, पहले निकालना नहीं है, अभी कलर तो बाकी है, इसको और थोड़ा फ्राई करना है, नहीं तो फिर कच्चापन लगेगा हमें खाने में। आवाज आ रही है, इसको गोल्डन थोड़ा फ्राई करना है, फिर बाद में यहाँ पे मसाले लगाने हैं हमें। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा देना, क्योंकि मैं हर वीडियो आपको बताती हूँ, आप मुझे लाइक कम देते हो, शेयर भी करते नहीं हो। आपको कौन सी वीडियो अच्छी लगती है, क्या कौन सी रेसिपी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, तो मुझे भी मालूम पड़ेगा आपको क्या रेसिपी बताओ, तो मैं आपको हर एक रेसिपी बताऊँ, वो भी ऐसी घर में ही बनती होगी वैसी, आपको 100% टेस्ट के साथ बोलूँगी मैं। अभी इसकी थोड़ी आवाज़ आ रही, थोड़ी आवाज़ कम होने के बाद में इसको निकालना है, पहले निकालना नहीं है, अभी थोड़ा बाकी है दोस्तों, है ना, आवाज़ आ रही, थोड़ी बबल्स कम होनी चाहिए, एक भी बबल्स हमें यहाँ पे चाहिए नहीं, तब हमें मालूम पड़ेगा कि हमारी चने की दाल नमकीन अच्छी बन गई है। अभी देख रहे हो मैंने कितनी डाली थी, अभी ये हो गई है, अभी हम इसको निकाल लेंगे, मैं आपको लेके बताऊंगी, है ना। अभी इसके अंदर मसाले चढ़ेंगे ना तो इसका कलर और चेंज हो जाएगा, आवाज़ देखना है। तो बाकी की सारी हम चने की दाल इसी फ्राई कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने सारी चना दाल फ्राई कर लिए दोस्तों, थोड़ी गर्म है दोस्तों, यहाँ पे हमें गरम गरम में ही मसाला छिड़कना है, तो भी हमारा फिर मसाला चने की दाल को लगेगा नहीं, तो फिर आप ठंडा होने के बाद लगाओगे तो मसाला चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे हमने जो मसाले बनाए थे वो सारी हम इसके अंदर डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और इसको ऐसे ऐसे करना, आवाज़ देखना है आपको, है ना, कुछ नमकीन, और इसको गरम गरम में मसाले छिड़कना है, इससे क्या होगा कलर भी अच्छा चढ़ जाता है और खाने में मजा भी आ जाती है, और ऑयल होता है ना तो चिपक जाता है। तो यहाँ पे और मसाला लगे, मुझे लगा मेरा सारा ही मसाला मैंने लिया वही डाल देगा, आधा किलो में इतना मसाला परफेक्ट है। रहा दोस्तों कश्मीरी मिर्ची चाहिए कलर आने के लिए, तो ये अच्छा लगता है मार्केट जैसे हमारी नमकीन लगेगी यानी चना दाल, तो इसको हम लोग थोड़ा इसको भी हाथों चमचे के सहायता से मिक्स कर लेना है इसी तरह से एक बार, और ये करेंगे परफेक्ट इसे। अभी इसको 2 मिनट के बाद हम सर्विसिंग प्लेट में लेंगे। अभी आपको लगा 2 मिनट में बात क्यों, क्योंकि जो हमने अभी मसाले डाले थे तो उसका वो कलर चढ़ेगा और चने की दाल को लग जाएगा, तो मार्केट जैसी लगी, सिर्फ 2 मिनट रखना, ज़्यादा रखना नहीं, अपने आप कलर चढ़ जाता है, क्योंकि ऑयल होता है ना चने की दाल में, जैसे हमने फ्राई किया वैसे हमने इसमें मसाले डाले तो चिपक जाते हैं, तो 2 मिनट लिए इसको रेस्ट करने को रख देते हैं कलर आने के लिए। अभी यहाँ पे हमारा पूरा मसाले अच्छे तरह से लग गया, देखो इसी तरह से अभी हम इसको सर्विसिंग प्लेट में ले लेते हैं। अभी यहाँ पे हमने सर्विसिंग प्लेट में ले गया, आवाज देख रहे हो एकदम मस्त आ रहा है मुंह में पानी, मैं आपको तोड़ के भी बताऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग प्लेट पूरी भर लेते हैं दोस्तों। अभी यहाँ पे प्लेट में ले लिया, मैं आपको तोड़ के बताऊंगी, आवाज देखना है, है ना, रिजल्ट आपके सामने। तो हाँ दोस्तों वीडियो कैसा लगा तो क्या मुझे कमेंट करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और ऐसे ही प्यार देते रहना है। धन्यवाद दोस्तों।